और अगर आप नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको सूचना मिलती रहे प्रत्येक वीडियो की। यस बैंक लिमिटेड अगेन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लेकिन कुछ डिफरेंट तरीके से। हम इसे खुश हुए या रोएं, मतलब एक कहावत है ना कि कोई ऐसी न्यूज़ आती है जिसको सुनकर या आप खुशी से उछल पड़ें या आप रोना पिटना मचा दें, तो धर्म संकट में आप पड़ जाते हैं जब ऐसी कोई समाचार मिलती है। और उस समाचार को थोड़ा सा मैं विस्तार से आपको बताने की कोशिश में हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कुछ चीज़ें हजम नहीं होती तो अच्छा नहीं लगता। आपने भी निवेश किया हुआ है, हमने भी निवेश किया हुआ है, रिटेल निवेशक जो है निवेश करते रहते हैं, हो सकता कोई लंबे समय से भी निवेशक हो हमारे मित्रों में से जो आप देख रहे हैं, जो दर्शक हैं, तो भी आप लोगों के लिए बहुत ही एक जानकारी है। सबको पता चल गया होगा किस प्रकार के यस बैंक के नतीजे रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो लोग मार्केट में नज़र रखते हैं तो वो तो रहे नतीजे, लेकिन कुछ समझने वाली बात ये है दरअसल कि पहले देख लेते हैं प्राइस। 66 रुपये पे जो क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे को, आज है संडे, आज 3 नवंबर है, मार्केट बंद है। अगर स्थिति देखें, एक वर्ष पहले जिन्होंने पैसे निवेश किए थे उनको 64% का नुकसान है, और जिन्होंने 6 मंथ पहले निवेश किया था उनको 60% ज़्यादा का नुकसान है, लेकिन जिन्होंने एक महीने पहले निवेश किया होगा उनको 108% के ज़बरदस्त रिटर्न है, और जिन्होंने 1 सप्ताह पहले निवेश किया उनको 27% ज़्यादा के जो है पॉजिटिव में रिटर्न मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बधाई के पात्र हैं जिन्होंने रिसेंटली अभी निवेश किया है, और जो लंबे समय से निवेशक हैं उनको तो काफ़ी लॉस हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मार्केट कैप उस प्रकार से हो चुकी है 16,985 करोड़ की, फेस वैल्यू 2 की है, और 2005 में ये लिस्टेड हुई थी हमारे एक्सचेंजेस पे। अब देखते हैं पहले नतीजे। देखिए, नतीजे आपको पता है कि फ्राइडे को आए मार्केट बंद होने के पश्चात, और मार्केट से बंद होने के पहले एक खबर आती है आप सबके समक्ष यहाँ पे 31 अक्टूबर को कि यस बैंक में, हालांकि मैंने उस दिन भी वीडियो बनाया था इसलिए बहुत डिटेल्स में नहीं पढ़ूंगा, यस बैंक में 8,500 करोड़ का निवेश करेगी ये विदेशी कंपनी, 24% उस दिन चढ़ के बंद हुआ। ठीक है, हालांकि बढ़ा तो कुछ ज़्यादा ही था, 36% तक ऊपर हाई बनाया था, लेकिन ओवरऑल 24% क्लोजिंग हुई थी। तो ये रही स्थिति, तो उस दिन ज़बरदस्त जो है स्टॉक प्राइस उछला या उछाला गया ये मुझे नहीं पता। नतीजे आने से एक दिन पहले की ये स्थिति है, तो ये उसी तरीके से है जैसे मान लीजिए कि कल बहुत बुरा होने वाला है तो आप सांत्वना देने के लिए किसी को एक खबर बता दें, तो ख़बर में ये सिर्फ कह दें कि भैया ये कंपनी है और हमको जो है निवेश करना चाहती है, तो अभी हम अप्रूवल की बात करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कि भैया इस पर जो है सैंक्शन किया जाए, और सेबी से भी जो रेगुलेटरी है हमारी उनसे भी कहें कि भाई हमें इसमें जो है मंजूरी दी जाए ताकि हम ये निवेश एक्सेप्ट कर सकें, स्वीकार कर सकें। बहुत अच्छी बात है अगर निवेश मिलता है, और मिलना चाहिए क्योंकि बैंक जो स्थिति है, तो हम सब चाहते हैं कि बैंक अच्छा अपना कामकाज करते रहे क्योंकि पुराना मैनेजमेंट चेंज हो चुका है, तो बधाई और इसके लिए कि 8,500 करोड़ का। लेकिन दूसरे दिन के जो नतीजे रहे उसके बाद जो न्यूज़ आई, आपने उस दिन क्यों नहीं बता दिया यार, तो और डबल खुशी जो है दोगुनी हो जाती। हो सकता है कि यहाँ पे फिर 2 नवंबर को न्यूज़ आती है, 31 नवंबर को वो न्यूज़ आती है, और 1 नवंबर को नतीजे आते हैं मार्केट बंद होने के बाद, और 2 नवंबर को ये फिर खबर आती है यस बैंक को मिले 21,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव। तो और दूसरे तीसरे दिन आपको अच्छी ऐसी खबरें मिलती रहती, बहुत अच्छी बात है। अगर आप वित्तीय संकट से गुजर रहे यस बैंक को निवेशकों से कुल 21,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा प्रस्ताव मिले हैं, बैंक में अकेले 8,000 करोड़ रुपए, यानी कि उत्तरी अमेरिका में स्थित एक अज्ञात परिवार निवेश करेगा, एक निवेशक परिवार निवेश करेगा, हालांकि इस निवेश के बारे में किसी तरह कोई खुलासा नहीं किया गया है। ये नतीजे आने के एक दिन बाद जो है आपने अपडेट किया, नतीजे आप मार्केट आवर्स में नहीं किया, ये बहुत ही अच्छी समझदारी रही क्योंकि हो सकता था कि नतीजे किस प्रकार के रहे वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नतीजे रहे जून 18 से जून, यानी कि क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 में अगर हम कंपेयर करते हैं तो ब्याज से जो कमाई है उसमें भी आप नहीं कमा पाए हैं, 5.50% का लॉस है, ये दुखद है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 25% ज़्यादा का लॉस है, एनपीए बढ़ चुका है जो कि पिछले क्वार्टर में था 2.91% का, इसमें दिखाया आपने 4.3 पाई का, ग्रॉस एनपीए भी इंक्रीज़ हुआ है,
और पिछले क्वार्टर में 113 करोड़ का शुद्ध मुनाफा था, इसमें तो सीधे लॉस में है 600 करोड़ का। तो ये रहे नतीजे और एक वर्ष का जो है, अगर हम देखते पिछले साल के मुकाबले इस साल ब्याज कमाई में मामूली सी बढ़त है 2.14% की, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एनपीए भी ज़बरदस्त था। देखिए पिछले वर्ष एनपीए कैसा दिखाया गया था, 0.84%। इसका मतलब ये छुपाया गया था, ऑब्वियस सी बात है कि जब से यही सब चीज़ें आरबीआई की तरफ से डंडा किया गया, मैनेजमेंट को बाहर किया गया, मैं नाम नहीं लूँगा जो भी कंपनी के प्रमोटर्स या स्थापना करने वाले थे, और वो छुपा छुपा छुपी का खेल हुआ था, उस वजह से आरबीआई को पता लग गया और उन्होंने जो है यहाँ पे जो है अपना बंदा बिठाल दिया। एनीवेज ये खेल में यहाँ पे फिर अब असलियत निकल के सामने आ रही है इन क्वार्टर्स में कि भैया अरे बहुत लोन बैड लोन्स दिए गए थे, उनकी स्थिति ये है। तो एनपीए बहुत ज़बरदस्त बढ़ा हुआ है इस ईयर ऑन ईयर देखिए, है ना। और जहाँ प्रॉफिट पिछले वर्ष दिखाया गया था 964 करोड़ का, इस बार जैसा कि मैंने बताया 600 करोड़ का लॉस दिखाया गया। तो ये स्थिति रही, तो नतीजे पूरी तरीके से बहुत ही बेकार है। मतलब क्वार्टरली एग्ज़ाम में अगर आपका लड़का बैठा तो फेल हो गया, सारे सब्जेक्ट में फेल हो गया, ठीक है। अब सारे सब्जेक्ट में फेल हो गया, पहले तो उसने पहले अपने डैड को बताया कि डैडी भाई क्या बोलूँ कि कल मैं बड़ा होके बहुत बड़ा इंजीनियर बनूंगा और आपको खूब पैसे दूंगा। दूसरे दिन नतीजे आते हैं, फेल हो जाता है। तो नतीजे आने के बाद फिर बोलता है डैडी अभी क्या करेंगे कि मैं फन जब मैं पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर दूँगा, पास हो जाऊँगा, तो मैं बहुत पैसे आपको दूंगा, मैं 100% मैं जॉब में लग जाऊंगा। लेकिन नंबर्स, मार्क्स तो आने चाहिए, नंबर्स दिखने चाहिए। अगर ये नंबर्स बढ़ेंगे अच्छे, तभी आप कमा पाएंगे, तभी हम निवेशक कमा पाएंगे, आपसे उम्मीद रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि भविष्य में सुधार होगा, और है ना, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई सिचुएशन नहीं है। तो जो लालायित निवेशक हैं, जो बहुत शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं, भैया कल मार्केट का क्या होगा मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कह सकता कि किस प्रकार की खुलेगी किस प्रकार नहीं खुलेगी, सॉरी खुलेगी नहीं, आई मीन टू से कि ये जिस प्रकार से नतीजे आए हैं उनसे उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नीचे जाएगी, या फिर जो एक समाचार दिया गया है या खुशखबरी दी गई है बैंक की तरफ से, ऑफिशियल की तरफ से, भैया इसमें अमेरिका की एक बहुत बड़ी फैमिली है जो निवेश करना चाहती है, हम उनका अभी कुछ नहीं बता सकते, बहुत पैसा आने वाला है इस कंपनी में, तो बैंक में, तो हो सकता है कि उस खबर से ज़बरदस्त उछाल आए, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। जो जो लोग चाहें अगर मुनाफा बुक करने को अगर मिल रहा है मौका, तो निपट लीजिएगा भैया, आप भी बहती गंगा में हाथ धो लीजिएगा, जो मिले पैसा रख लीजिएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो बैंक में उतना हिसाब से अंदर तो कमाई हो नहीं रही है, बहुत फंडामेंटली अच्छी हो, तो अभी कुछ समय लग सकता है ओवरऑल। बाकी बैंक अच्छी है, हम लोग भी निवेशित हैं, ऐसा नहीं है। तो ये स्थिति है, तो मुझे लगा आप लोगों के समक्ष कुछ बातें ये रखनी चाहिए कि भैया बड़ी स्ट्रेटजी होती है इन लोगों के बिना, कि नतीजे से पहले एक पहले खबर दे दो, नतीजे बेकार हैं उसके बाद बड़ी खबर दे दो। तो ये जो खबरें का सिलसिला चलता है, एक दिन का जो गेम चलता है ना, तो ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आता कौन सी फैमिली कहाँ से निवेश कर रही है, वो फैमिली कौन है, वो क्या होगा, कुछ नहीं पता। एनीवेज मैं इन सब पे पढ़ना भी नहीं चाहता और ना आप सब पढ़िए, बस ध्यान रहे कि आप लोग को लॉस ना हो, तो समझदारी से आप लोग यहाँ पे ट्रेड करें चाहे इन्वेस्ट करें। अब जो अब किस प्राइस पे हमें, आप देखिए जैसे कि अभी रिजल्ट जो रिटर्न्स मैंने बताया अभी आपको, जो 1 महीने वो तो माला माल है, जो 1 सप्ताह पहले निवेश किया उनको भी काफ़ी अच्छा मुनाफा यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन जो लंबे समय से निवेश किया उनका तो खैर पैसा बहुत ही कम हो गया है ना। तो ये स्थिति है ओवरऑल प्रमोटर्स की। हम ज़रा स्थिति देख लें कि अभी क्या चेंजेस हुए हैं प्रमोटर्स की तरफ से। यहाँ पे अगर होल्डिंग पैटर्न में आते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो यहाँ पे देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हुई थी, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी गिरावट आई थी शेयर प्राइस में, और लो भी बनाया था, 29 का लो बना दिया था साल का। और यहाँ पे देखिए 2017 सॉरी अगस्त में 17.97% की जो थी प्रमोटर्स की, वो अब 13% के आसपास रह गई, और उसमें से 13% 13.05 में से 35% गिरवी भी रखे हुए। FIIs ने अपनी लगातार होल्डिंग यहाँ पे कम की हुई है। देखिए अगर हम देखते हैं दिसंबर 2018 36% थी, जून में हो गई 33% से, और अगस्त 2019 में 31%, और सितंबर में रह गए सिर्फ 26%। तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो धीरे धीरे इस बैंक से निकल रहे हैं। अगर इंक्रीज़ हुई होती इस क्वार्टर में तो थोड़ा सा राहत भरी वाली बात होती, तो ये थोड़ा एक दुखद है इस बैंक के लिए थोड़ा, है ना, क्योंकि बड़ा माल तो बाहर से ही आता है। एनीवेज जो DIIs हैं, मतलब हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने हालांकि अलबत्ता यहाँ पे इंक्रीज़ की हुई है अपनी होल्डिंग,
और लगातार इन्होंने माल भरे हुए हैं। अगर जून से देखें तो 26% से फिर 27 हो गई, फिर अभी इस क्वार्टर में 30% के आसपास नतीजे दिख रहे हैं। बाकी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं और अदर्स भी जो काफ़ी इंक्रीज़ किए हुए, देखिए रिटेल ने तो काफ़ी अच्छा भर रखा है, तो जाहिर सी बात है छोटी प्राइस का हो गया है तो लोगों ने ख़रीदा होगा। तो ये रही न्यूज़ेस और ये रहे हम नतीजे जो मैंने आपके समक्ष रखा, और पैसा आपका, निर्णय आपका, यस बैंक है, कमाइए खूब, मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और स्ट्रेटजी के तहत इसमें मेरी अभी फ़िलहाल अपनी तरफ से कोई राय नहीं है, मुझे मौका लगे तो मैं भी प्रॉफिट बुक कर लूँ। भाई होता क्या है कि लंबे समय का निवेशक तो मैं हूँ, लेकिन कभी कभी ये भी करना पड़ता है कि अगर आपको मौका लगे, क्योंकि नुकसान भी तो रिटेल निवेशकों का सबसे ज़्यादा होता है ना, तो उस प्रकार से आप अपने स्ट्रेटजी सूझबूझ से ज़रूर इस बैंक में नज़र बनाए रखें। देखते हैं कल क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।